यार ये मिश्रा तो समझ में आ रहा है, आरसी क्या है? अरे यार उन्हीं से बोल लेना, चलो नमस्ते। आओ दीवाकर आओ, बैठो बैठो बैठो। कागज लाए? हाँ भैया, ले कागज ले आए हैं, ये लीजिए कागज। भाई साहब आपसे एक बात पूछें। हाँ पूछिए। भैया मिश्रा तो समझ में आता है, ये आरसी क्या है? रमेश चंद्र नाम है मेरा। तो पूरा रमेश चंद लिखने में क्या दिक्कत है? अरे शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म? भैया नाम एक ऐसी संज्ञा है जिसका सांक्षिप्तीकरण नहीं किया जा सकता, तो आप पूरा नाम लिखिए, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बात तो सही है। एक्सक्यूज मी, मेरी मिसिस का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मैं बात बात करता हूँ। ओके मिसेस। भाई साहब मिसेस का आपको अर्थ पता है? नहीं। यूरोप और इंग्लैंड के देशों की अगर आप हज़ारों साल पुरानी परंपरा देखेंगे तो वहाँ लोग बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रहते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। एक एक पुरुष 40-40 महिलाओं के साथ रहता है और एक महिला 40-40 पुरुषों के साथ। और वहाँ पे धर्म पत्नी को छोड़ के जिनके साथ आप रात बिताते हैं वैश्या यानी कि उन्हें मिसेस बोला जाता है। हमारी हिंदी भाषा में पत्नी को श्रीमती कहा गया है। श्री का मतलब लक्ष्मी और मति का मतलब सरस्वती। आप अच्छी खासी श्रीमती को मिसेस बनाने पे तुले हैं। अब इसी तरह से जिसको देखो मैडम मैडम बोलता रहता है हर किसी को। मैडम मूलतः फ्रेंच का शब्द है और वहाँ पे जो वैश्या घर होते हैं उनकी मुख्य वैश्या जो होती है उसको मैडम बोला जाता है। हमारे हिंदी भाषा में इतने इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहन जी है, बुआ जी है, मौसी जी है, इन सबका लोगों को उपयोग करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर बहुत ही भद्दा है, जबकि हमारे हिंदी भाषा में सभी को एक सम्मानजनक नाम दिया गया है।